वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। फिल्म की मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी कहानी तिब्बत के पहाड़ों में प्राचीन राजा गेजर के ऐतिहासिक प्रमाण खोजने गए एक पुरातत्व खोजकर्ता के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने और फिर कई साल बाद उनकी बेटी द्वारा उस रहस्यमयी खोज और अपने पिता का पता लगाने के लिए एक एडवेंचर भरी जर्नी पर निकलने और रास्ते में अनजान दुश्मनों से मुकाबला करने पर आधारित है। फिल्म में भरपूर एक्शन और एडवेंचर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फिल्म के शुरुआत में एक पुरातत्व शोधकर्ता अपनी बेटी लिन के साथ एक पहाड़ पर जनजातीय कबीले का पारंपरिक नाटक देखते हुए बताता है कि ये प्राचीन राजा गेजर पर आधारित है। उनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्यमयी तलवार थी जिससे उन्होंने तमाम राक्षसों का वध किया। वो अपनी बेटी लिन से कहता है, जब मैं वो तलवार ढूंढ लूंगा तब लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये राजा गेजर सच में थे, ना कि सिर्फ किस्से कहानियों में। वो ये भी कहते हैं, मैं उस तलवार को ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने चाचा डाक के साथ रहना। इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं एक लड़की अपने मालिक शहर के बहुत बड़े स्मगलर डॉन क्विन झोंग से मिलने जाती है। क्विन ऐतिहासिक वस्तुओं का बहुत बड़ा तस्कर होता है और वो भी गेजर के रहस्यमयी तलवार की खोज में लगा होता है। लड़की उससे कहती है कि उसको गेजर की वो तलवार मिल गई है। वो तलवार देखकर क्विन जान जाता है कि ये नकली है और वो अपनी लेडी किलर और आदमियों से कहकर उस लड़की की हत्या करवा देता है। इसके बाद वो अपने आदमियों से शोधकर्ता की बेटी लिन को जल्दी से जल्दी खोजने को कहता है। लिन जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, वो भी अपने चाचा डा के साथ मिलकर पुरातत्व खोजकर्ता का काम किया करती थी। लिन भी राजा गेजर के मौजूदगी के ऐतिहासिक प्रमाण खोजने के लिए उनकी रहस्यमय तलवार खोजने में लगी थी, ताकि वो ये बात साबित कर सके कि राजा गेजर के ऐतिहासिक होने के बारे में उसके पिता का शोध सच था, ना कि झूठ। लिन पहले की बात सोचती है कि उसके पिता के वापस ना लौटने पर जब वो पिता की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने वाले ऑफिसर के पास गई थी तो उस ऑफिसर ने उसे बताया था कि पहाड़ी पर उनके कपड़े और कुछ सामान मिला था, पर वो नहीं मिले। इधर रोज की तरह वो अपने कमरे में जाकर उसके पिता द्वारा उस तलवार की खोज में जुटाई गई तस्वीरें उलट पलट कर देख रही होती है, ताकि कोई ऐसा सबूत मिल सके जिससे राजा की तलवार तक पहुंचा जा सके। इसी तरह एक रात हवा से कमरे की फोटोज इधर उधर गिरने लगती हैं। इनमें से एक तस्वीर वो भी थी जो कि उसके बचपन में उसके पिता ने पहाड़ के लोगों के साथ खींची थी। उसमें उनके झंडे पर वैसा ही निशान था जो उसने राजा की खोज में एक गुफा में देखा था। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, राजा ने तलवार छिपा दी थी। वो अपने चाचा डाक को फोन करके बताती है कि हमें जकीका ग्रासलैंड के पास शीक्यू पहाड़ी पर चलना होगा। वहां के कबीले के झंडे पर मैंने कुछ ऐसे चिन्ह देखे हैं जिससे हम राजा की तलवार तक पहुंच सकते हैं। वो अपने अंकल के साथ शीक्यू जाने के लिए तैयार होती है, पर इतनी ऊंचाई पर कोई भी उसको ले जाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एक गाड़ी वाला माँ क्वांग उनको ले जाने को तैयार हो जाता है। रास्ते में जाते वक्त माँ उन्हें बताता है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। लिन कहती है कि उसको नहीं पता कि वो कौन है, शायद वो तुम्हारे पीछे लगे हों। माँ कहता है उसको भी नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, पर फिर भी उनके पीछे लगी गाड़ियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, जिससे माँ अब अपनी गाड़ी हाईवे से हटाकर गली मोहल्लों से गुजरने लगता है और पीछा कर रही गाड़ी को चकमा देकर फिर से हाईवे पर निकल जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी वाले अब भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते तो माँ अपनी गाड़ी रोड से उतार कर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने लगता है। आखिरकार वो वहां से बच के एक कस्बे में पहुंच जाता है और वहां अपनी गाड़ी रोक देता है, जहां उसके गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है। वो वहीं रुककर गाड़ी रिपेयर की तैयारी करने लगता है। उधर इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे गुंडों में से एक गुंडे की गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। तभी वहां उन गुंडों का सरदार पहुंचता है और वो अपने उस आदमी पर बहुत नाराज होता है कि तुमने उस लड़की को कैसे बचकर यहाँ से जाने दिया, अब बॉस हम पर बहुत नाराज होंगे। उस गैंग की लेडी किलर अपने गैंग लीडर को उस ड्राइवर के गाड़ी का नंबर और उसका नाम बताती है। उधर माँ अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है और लिन अपने अंकल के साथ बात कर रही होती है कि मुझे तो ये ड्राइवर माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर वो गाड़ियां इसी के पीछे लगी होंगी। इसी दौरान कई सारे बच्चे माँ किंग का नाम पुकारते हुए उसके पास जाते हैं और उसको प्यार से गले लगाते हैं। माँ क्विंग उन बच्चों के लिए लाई हुई किताबें और बाकी सामान उन्हें बांटने लगता है। ये देखकर लिन और उसके अंकल को एहसास होता है कि माँ किंग एक अच्छा इंसान है और वो इतने सारे अनाथ बच्चों का ध्यान रखता है। दूसरे दिन माँ किंग जब लिन और उसके अंकल को लेकर वहां से जा रहा होता है, तब भी वो बच्चे माँ किंग के प्यार में उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हैं। आखिरकार वो सब शीक्यू पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उस समय घुड़सवारी प्रतियोगिता का त्योहार मनाया जा रहा हो। लिन माँ क्विंग के अच्छे स्वभाव से बहुत खुश होती है। वो उसको गाड़ी का किराया और वापस ले चलने के लिए एडवांस में पैसे
पैसे देती है और बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी देती है। इधर स्मगलर क्विन तलवार से जुड़े सबूत ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों के साथ लिन के घर पहुंच जाता है और उसके बाकी के जो आदमी ली के पीछे लगे थे वो उस कस्बे में पहुंचकर बच्चों से माक्विन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहाड़ी पर घुड़सवारी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। लिन के घर पहुंचे डॉन किन को वो फोटो मिल जाती है जिसको देखकर ली उस पहाड़ी पर तलवार का पता लगाने गई थी। लिन अपने अंकल के साथ उस पहाड़ी जनजाति के एक आदमी से बात करते हुए फोटो में उनके झंडे पर बने तलवार के चिन्ह को दिखाती है और उनसे उस तलवार के बारे में पूछती है। वो आदमी उन्हें बताता है इस नक्काशी की तलवार मनी पैलेस में देखी गई थी। वहीं पर दूसरी जगह बैठे माँ को कई सारी गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। वो भांप जाता है कि ये वही लोग हो सकते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। माँ जल्दी से लिन और उसके अंकल को लेकर अपनी गाड़ी में वहां से निकल जाता है। रास्ते में लिन कहती है हमको मनी पैलेस जाना है, पर माँ कहता है मैं तुम दोनों को पुलिस के पास ले चलूंगा। कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये गाड़ियां तुम्हारे ही पीछे आ रही हैं। तुम उन लोगों के टारगेट पर हो। तभी लिन के फोन पे मैसेज आता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। वो डा से अपने घर में रखे लैपटॉप का वेबकैम हैक करके खोलने को कहती है। डा जब वहां के लैपटॉप का वेबकैम ओपन करता है तो उसको वहां वो स्मगलर डॉन क्विंझोंग दिखता है। लिन कहती है इसका मतलब क्विंझोंग उस तलवार के पीछे है जो हम लोग खोज रहे हैं। माँ अब गुस्से में गाड़ी रोक देता है और पूछता है आखिर ये सब माजरा क्या है। लिन अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए बताती है कि वो लॉजिस्ट है और वो वहाँ किंग गेजर की तलवार की खोज में आई है। अब माँ ली से क्विन झोंग के बारे में पूछता है। लिंजी बताती है कि क्विन ऐतिहासिक वस्तुओं का बहुत बड़ा स्मगलर है और वो उन्हें इकट्ठा करके दुनिया भर के ब्लैक मार्केट में बेचता है। लिन माँ से हेल्प करने को कहती है। आखिरकार माँ उसकी कंडीशन समझकर उसको पुलिस के पास न ले जाकर मनी पैलेस ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से निकलता है। उधर पहाड़ी पर पहुंचे गुंडे लिन को वहां पर न पाकर उस पहाड़ी आदमी को मार देते हैं जिसने लिन को मनी पैलेस जाने के लिए बताया था। लिन माँ और उसके अंकल के साथ मनी पैलेस पहुंच जाती है। वो उन सबसे बताती है कि तीर्थ यात्रियों ने ये मनी पैलेस बनवाया था। वहां तलवार खोजते हुए लिन को याद आता है कि राजा ने वो शक्तिशाली तलवार पांच तत्व से जुड़ी चीजों में छुपाई होगी। अब वो लोग पांच तत्व के चिन्ह बने हुए पत्थरों को खोजते हैं। एक एक करके उन्हें वो पांच तत्व के निशान वाले पत्थर जो कि पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश होते हैं मिल जाते हैं। इन पांचों के पीछे उन्हें एक एक शंख मिलते हैं। लिन उन पांचों शंखों को जब एक एक करके एक ही दिशा में घुमाती है तो उससे वहां पत्थरों के बीच एक जगह खुल जाती है जिसके बीच एक स्तूप होता है जिस पर लिखा होता है कि आखिरी शब्दों का मतलब शांति है। दूसरी ओर क्विन झोंग को स्तूप पर लिखी लाइंस का पता लग जाता है। वो लिन के पीछे गए अपने आदमियों को फोन पर बताता है कि लिन और उसके साथी मनी पैलेस से फेनलैंग टेम्पल गए हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि माँ क्विन स्पेशल फोर्स का एक रिटायर्ड सिपाही है। इधर रास्ते में लिन माँ क्विन को बताती है फेनलैंग टेम्पल की लोकेशन का जिक्र राजा गेजर के सेनापति ने किया था, इसलिए हमें किंग झोंग से पहले उस मंदिर तक पहुंचना होगा। इसलिए वो सब रुकने के बजाय रात में भी सफर जारी रखते हैं। लिन गाड़ी में सो जाती है। डा ड्राइवर माँ से बताता है कि इसकी माँ बचपन में ही मर गई, फिर इसके पिता भी चले गए, तब से बेचारी कभी भी सुकून से नहीं सो पाई। अगली सुबह ये लोग फेनलैंग टेम्पल पहुंच जाते हैं। लिन अंकल के साथ मंदिर के अंदर जाती है और माँ वहीं गाड़ी में रुककर उनके वापस आने का इंतजार करने लगता है। मंदिर के अंदर वो मुख्य पुजारी से राजा गेजर और उनके सेनापति से जुड़े साक्ष्यों के बारे में पूछते हैं। पुजारी बताता है तुम्हारे पिता भी यहाँ इसी की तलाश में आए थे पर उन्हें भी यहाँ कुछ नहीं मिला, तुम बिल्कुल अपने पिता के ही जैसी हो। लिन कहती है कि वो इन सब के जरिए उस तलवार को ढूंढना चाहती है ताकि ये साबित हो जाए कि राजा गेजर सच में थे ना कि कहानियों में। इसके बाद वहाँ का एक बौद्ध भिक्षु इन लोगों को मंदिर की एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ तमाम प्राचीन साहित्य और पांडुलिपियां रखी हुई थी। वहीं पर उन्हें राजा गेजर की जीवनी की एक हस्तलिपि मिलती है। वो भिक्षु बताता है कि ये काफी प्राचीन है और इसके तीन भाग हैं। लिन उनसे जीवनी के बाकी दो भाग भी दिखाने को कहती है। भिक्षु उन्हें बाकी के दो भाग भी देता है। उसमें से आखिरी हस्तलिपि में आखिरी के कुछ लाइंस खाली होती हैं। लिन कहती है क्या इन जीवनी हस्तलिपियों का कोई सूत्र भी है? भिक्षु कहता है सूत्र है, पर वो जिस कक्ष में है वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। लिन के काफी आग्रह करने पर वो भिक्षु उन्हें उस कक्ष में ले जाता है। इधर क्विन के गुंडे भी उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी के पास लिन के लौटने का इंतजार कर रहा माँ उन गुंडों को वहां देख लेता है। गुंडों के ग्रुप की लेडी किलर कुछ गुंडों के साथ मंदिर के अंदर जाती है और उनका सरदार बाकी गुंडों के साथ माँ की गाड़ी खोजने लगता है। मंदिर के उस सीक्रेट
रूम के अंदर डा आराम करने लगता है और भिक्षु लिन को सूत्र दिखाने लगता है। बाहर माँ एक लोहे का रॉड लेकर छिप कर एक एक करके गुंडों की गाड़ियां पंक्चर करने लगता है। तब मंदिर के सीक्रेट रूम में लिन को लकड़ी की पट्टिका पर लिखा वो सूत्र मिल जाता है जिसमें तलवार तक पहुंचने का सुराग होता है। लिन सूत्र लेकर बाहर निकलने लगती है पर तब तक लेडी किलर अंदर पहुंच जाती है। वो लिन को धक्का मारकर गिरा देती है और सूत्र लेकर मंदिर से बाहर निकलने लगती है। लिन मंदिर के अंदर आराम कर रहे डा को बताती है कि वो सूत्र ले गई। लेडी किलर के बाहर निकलते वक्त कई बौद्ध भिक्षुओं की भीड़ अंदर आ रही होती है। डा उसी भीड़ का फायदा उठाकर एक भिक्षु के कपड़ों में लेडी किलर के हाथ से वो सूत्र ले लेता है। जब वो बाहर निकलता है तो उस समय माँ छिपकर गुंडों की गाड़ियां पंक्चर कर रहा होता है। डा को इस बात का पता नहीं होता, इसलिए वो माँ का नाम लेकर जोर जोर से पुकारता है जिससे बाहर खड़े गुंडों का ध्यान अब माँ क्वीन पर हो जाता है। माँ बचकर भागता है। तब तक अंदर से लिन और उसका पीछा कर रही लेडी किलर और उसके बाकी गुंडे भी आ जाते हैं। डा वो सूत्र लिन को दे देता है। लिन भागती है और क्वीन के गुंडे उनके पीछे होते हैं। माँ भी गाड़ी लेकर वहां से उनके पीछे निकलता है। अब कुछ गुंडे पैदल भाग रही लिन के पीछे होते हैं और कुछ गुंडे गाड़ी में उसके पीछे चल रहे होते हैं। तब तक माँ लिन को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गुंडों का बॉस माँ की गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है। अब आगे आगे माँ भाग रहा होता है और गुंडों की गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। पीछे लेडी किलर एक गाड़ी पर लटक कर भाग रहे माँ की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगती है और माँ अपनी गाड़ी बचाने के लिए कभी भागता तो कभी गाड़ी को साइड मारता है। लेकिन लेडी किलर माँ की गाड़ी पर कूद जाती है और लात मार के लिन को गाड़ी के बाहर लटका देती है। लिन बाहर गिरने से तो बच जाती है पर लेडी किलर लिन का बैग लेकर माँ की गाड़ी से बाहर कूद जाती है। पीछे आ रहा एक गुंडा माँ की गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है जिससे माँ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी रोड से उतर जाती है। माँ गाड़ी को संभाल कर वहीं पहाड़ी वाले रास्ते पर रोक देता है पर तभी गुंडों का सरदार माँ की गाड़ी को ठोकर मारकर पहाड़ी के ढलान से नीचे गिरा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो जाती है और ऊपर से वो सभी गुंडे उस नीचे पड़ी गाड़ी को देखते हैं पर जब उस गाड़ी में से कोई भी बाहर नहीं आता तो वो लोग जान जाते हैं कि गाड़ी के अंदर सभी लोग मर चुके हैं। लेडी किलर वो सूत्र उस सरदार को दे देती है। अगले दिन लिन की आंख खुलती है तो वो खुद को पहाड़ी जनजाति के एक तंबू में पाती है। वो चौंककर बाहर निकलती है तो बाहर उसे माँ दिखता है। फिर वो अंकल डा को ढूंढते हैं जो कि वहीं एक दूसरे तंबू में होते हैं और काफी बीमार और जख्मी हालत में होते हैं जिनका इलाज एक जनजातीय लड़की डोलमा कर रही होती है। लिन उससे पूछती है क्या ये ठीक हो जाएंगे। डोलमा कहती है कि अगर आज रात तक बुखार नहीं उतरा तो इनका बचना बहुत मुश्किल है और हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है। लिन कहती है हम लोग जिंदा कैसे बचे। वो लड़की बताती है कि हमारे जनजाति की भेड़ चराने गई एक औरत ने तुम्हारी एक्सीडेंट हुई गाड़ी देखी, उसने हमें बताया, फिर हम सब तुम लोगों को निकालकर यहाँ ले आए। लिन अंकल की हालत पर रो रही होती है कि तभी जनजाति का एक बूढ़ा उसे समझाता है। लिन कहती है हम तलवार का राज पता करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, अब सब खत्म हो गया है, वो सूत्र और बाकी सारे सुराग ले गए। वो बुढ़ा कहता है किंग गेजर हमारे हीरो थे, बचपन में हम सबने उनसे जुड़े सुराग ढूंढने की कोशिश की पर कभी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उनका होना साबित किया जा सके। माँ की गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी थी इसलिए अगले दिन वो वहाँ से एक घोड़ा लेकर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। लिन उसके पास आकर उसको कुछ पैसे देते हुए कहती है कि अभी उसके पास इतने ही पैसे हैं क्योंकि उसका बैग वो लोग ले गए, बाद में यहाँ से वापस जाकर मैं तुम्हारी गाड़ी के नुकसान की पूरी भरपाई कर दूंगी। पर माँ उसकी मजबूरी समझता है इसलिए वो उससे पैसे लेने से मना कर देता है। लिन बताती है कि अंकल का बुखार अब उतर चुका है और मैं अंकल को लेकर अब घर वापस लौट जाऊंगी। माँ कहता है तो क्या तुमने अब तलवार ढूंढने का इरादा बदल दिया है। लिन कहती है अब शायद ये सपना ही रह जाए क्योंकि हमें नहीं पता कि अब तलवार को कहां और कैसे खोजना है। माँ कहता है तो तुम वो स्वर्ग की तलवार ढूंढना ही क्यों चाहती थी। लिन कहती है ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मेरे पिता का जीवन उसके पीछे व्यर्थ नहीं गया। माँ उसको अपने भाई और सबसे करीबी साथी की फोटो दिखाकर कहता है कि उसका सपना था आर्मी से रिटायर होने के बाद तिब्बत में अपने गांव लौटकर वहां के गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्हें मुफ्त किताबें और शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना, पर आर्मी में रहते हुए ही वो मारा गया। फिर मैं रिटायर होकर आया तो उसका सपना पूरा करने लगा और फिर मुझे इन बच्चों की खुशी में ही खुशी मिलने लगी। तब तक डा ठीक होकर वहां आ जाता है। लिन उनको एक जैकेट पहने हुए देखती है। वो डोलमा से पूछते हैं तुमने ये जैकेट अंकल को दी, ये तुम्हें कहां मिली थी। वो लिन से बताती है कि एक पुरातत्व खोजकर्ता यहां आए थे,
वो कई दिन यहाँ रुके थे, ये जैकेट उन्हीं की थी। लिन कहती है ये तो मेरे पापा की जैकेट थी, इसका मतलब वो यहाँ रुके थे। डोलमा कहती है वो यहाँ सितंबर में आए थे। लिन कहती है उसका पिता अक्टूबर में लापता हुए थे, इसका मतलब मरने से पहले वो यहाँ आए थे। लिन उससे पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ गए। दूसरी ओर सूत्र का ट्रांसलेशन पढ़कर स्मगलर क्विन को पता लग जाता है कि गेजर की रहस्यमय तलवार यान रेन योंग घाटी में है। इधर लिन डोलमा से पूछती है मेरे पापा ठीक होने के बाद यहाँ से कहाँ गए। डोलमा कहती है जाने से पहले उन्होंने मुझे उस जगह का रास्ता बताया था, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। डोलमा उन लोगों को लेकर यानरेन योंग घाटी के लिए निकलती है। रास्ते में वो लिन से कहती है तुम्हारे पापा जब यहाँ रुके थे तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, वो मेरे लिए गुरु की तरह है। आखिरकार वो सब यान घाटी पहुंच जाते हैं और एक पहाड़ी के सक्रिय रास्ते से नीचे उतरते हैं। लिन दीवारों पर बने 72 जनरल्स के चिन्ह देखकर कहती है कि ये राजा गेजर का ही मकबरा लग रहा है। वो लोग अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। अंदर वो लोग पहाड़ी की एक सक्रिय पट्टी पर चल रहे होते हैं, दूसरी ओर वहाँ किन के लोग पहले ही पहुंच चुके होते हैं। और ये जानकर कि लिन और उसके साथी यहाँ पहुंच चुके हैं, वो सब इन पर फायरिंग करने लगते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। पर वहाँ मकबरे की सुरक्षा के लिए पहले ही जाल लगा था, जिससे जब भी कोई रास्ते पर आगे बढ़ता था तो बड़े बड़े पत्थर उनकी ओर बढ़ने लगते थे, जिससे वो लोग किसी तरह उन पत्थरों से बचते हैं। पर उन रास्तों पर आगे बढ़ने पर दोबारा उन पत्थरों से उन पर हमला होने लगता है, जिसमें क्विन की गैंग के कुछ लोग मारे जाते हैं। अब एक के बाद एक कई पत्थर शिलाएं उनकी ओर बढ़कर कुचलने की कोशिश करती हैं। इसी बीच क्विन की गैंग की लेडी किलर से माँ की और एक दूसरे गुंडे की लिन से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग उन पतली पत्थर शिलाओं पर लड़ रहे होते हैं, जिसके दोनों ओर गहरी खाई थी। पत्थर के गिरने से वो जगह हिलने लगती है। माँ और लेडी किलर कभी एक दूसरे पर हमला करते हैं तो कभी बचते हैं। उधर क्विन का जो गुंडा लिन से लड़ रहा होता है वो लिन पर भारी पड़ रहा होता है। डोलमा उस गुंडे पर एक पत्थर फेंककर लिन की मदद करने की कोशिश करती है, पर वो गुंडा एक चाकू फेंककर उसे घायल कर देता है। लेडी किलर अपने पैरों से माँ का गला दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश करती है। गुंडों का सरदार वहाँ बॉम्ब लगा रहा होता है ताकि पत्थरों को तोड़कर आगे का रास्ता खोल सके। उधर लड़ाई के दौरान माँ पत्थर शिला से नीचे लटक जाता है और लेडी किलर भी उसका पैर पकड़े हुए होती है। माँ अपना पैर झिटक कर लेडी किलर को नीचे गहराई में गिरा देता है, जिससे वो मर जाती है। वहीं पास में लिन भी एक पत्थर शिला पर जिस गुंडे से लड़ रही होती है वो भी उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान रास्ता खोलने के लिए गुंडों का सरदार जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो वहां के पत्थर हिल जाते हैं और लिन को मार रहा गुंडा झटका लगने से नीचे गिर जाता है और लिन मौका पाकर खड़ी हो जाती है। अब माँ गुंडों के सरदार और उनके साथियों को मारना शुरू कर देता है। लिन जिस शिला पर खड़ी होती है वो उससे कूदकर दूसरी शिला पर चली जाती है, जिससे वो शिला नीचे झुक जाती है और उसको मारने की कोशिश करने वाला गुंडा नीचे गिरकर मर जाता है। माँ और गुंडों के सरदार की फाइट में सरदार चाकू से माँ पर हमला करता है, पर माँ उसको किक मार के दूर कर देता है। वो गुंडा फिर से माँ पर हमला करने की कोशिश करता है और इस बार माँ उसको हाथ मारकर उसका चाकू नीचे गिरा देता है और एक तार से उसका हाथ फंसाकर उसको नीचे पटक देता है। लेकिन वो गुंडा फिर उठ खड़ा होता है और इस बार वो पूरी ताकत से माँ से लड़ने लगता है। वो माँ को नीचे पटक देता है, जिससे माँ के सर में चोट लग जाती है। अब वो माँ को उठाकर नीचे फेंकता है, पर माँ नीचे न गिरकर पत्थर का एक किनारा पकड़कर लटक जाता है। वो गुंडा माँ का एक हाथ पैर से कुचलने लगता है ताकि वो नीचे गिर जाए। इसके बाद वो माँ का दूसरा पैर भी कुचलता है। माँ दर्द से चीख उठता है पर वो हाथ से किनारा नहीं छोड़ता। तब तक पीछे से लिन वहाँ पहुंच जाती है और वो उस गुंडे को मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो माँ का हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लेती है। अब लिन माँ डा और वो लड़की आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें रस्सियों में बांधी तमाम प्राचीन योद्धाओं की लाशों के ताबूत टंगे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उनके हथियार भी रखे हुए होते हैं। जब वो लोग और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बंद गुफा मिलती है, जिस पर पत्थरों का एक लॉक लगा होता है, जिस पर कुछ चिन्ह बने होते हैं। लिन उन चिन्हों को सही दिशा में घुमाती है, जिससे वो गुफा खुल जाती है और वो सब राजा गेजर की तलवार तक पहुंच जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर लिन का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां जर्नलिस्ट उससे कहती है कि आखिरकार आपने राजा गेजर की तलवार ढूंढकर ये साबित कर दिया कि वो सच में थे। लिन कहती है कि हाँ, मैंने साबित कर दिया कि मेरे पापा के इतने सालों की रिसर्च बेकार नहीं गई। लिन द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस क्विन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके द्वारा चोरी करके रखी गई सारी ऐतिहासिक चीजें बरामद कर लेती है। इस तरह ये एडवेंचर और एक्शन से भरपूर फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।